शूलनी सेवा दल संस्था ने सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। 2020 में जन्म लेने वाली खुशकिस्मत बेटियों को संस्था ने 5,100 रुपयों की सौगात दी और समाज को ये संदेश देने का प्रयास किया कि वे परिजन बेहद ही सौभाग्यशाली हैं। वहीं इस मौके पर शूलनी सेवा दल ने अस्पताल में रोगियों को फल भी वितरित किए और उनके मंगल भविष्य की कामना भी की। सूनी सेवा दल संस्था ने सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। 2020 में जन्म लेने वाली खुशकिस्मत बेटियों को संस्था ने 5,100 रुपयों की सौगात दी और समाज को ये संदेश देने का प्रयास किया कि वे परिजन बेहद सौभाग्यशाली हैं। वहीं इस मौके पर सूनी सेवा दल ने अस्पताल में रोगियों को फल वितरित किए और उनके मंगल भविष्य की कामना भी की। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष सुशील चौधरी ने बताया कि कई लोग नवजन्मी बेटियों को बोझ मानते हैं, लेकिन उनकी संस्था द्वारा ये संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि लक्ष्मी का प्रतीक हैं। इस मौके पर सूनी सेवा दल के अध्यक्ष सुशील चौधरी ने बताया कि वे पिछले 5 वर्षों से नव वर्ष में जन्मी बच्चियों को 5,100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटियां सभी के लिए भाग्यशाली होती हैं और वे अनमोल होती हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 5 बच्चियों ने जन्म लिया था जिन्हें उनकी संस्था ने 5,100 के चेक प्रदान किए। उन्होंने कहा कि उनका ये अभियान भविष्य में भी इसी तरह जारी रहेगा और वे इसके माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि बेटियां अनमोल होती हैं और लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। शूलनी सेवा दल सोलन द्वारा आज यह हॉस्पिटल में हमारे जोनल हॉस्पिटल जो सोलन का है यहाँ पर बेटी बचाओ अभियान के तहत हर साल की तरह आज 5वां साल है ये और हमने यहाँ पर जितने भी 31 तारीख नए साल में जितनी भी गर्ल चाइल्ड पैदा होती है यहाँ पर उन्हें हम 5,100 रुपये प्रत्येक को हमारी संस्था की तरफ से एक चेक दिया जाता है। जस्ट एक मोटिवेशनल सिस्टम है ताकि माँ बाप का जो इनिशियल कोई भी खर्चा हो उसको वो बीट आउट कर पाए और यहाँ पर जो गर्ल चाइल्ड जैसे कहा जाता है कि एक बोझ है उसमें हम पेरेंट्स की थोड़ी सी सहायता करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें उस पर गर्व हो कि हमारे घर लक्ष्मी आई है और हम उस पर उसकी देखभाल को ठीक ठाक से देखभाल करें। आज 5 लड़कियों को हमने ये 5,100 रुपये प्रत्येक को ये चेक दिया है। फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी संस्था है ये सारे जितने भी पेशेंट होते हैं पूरे हॉस्पिटल में ये इसके साथ ही फल वितरण का समारोह भी करती है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।